हॉकी वर्ल्ड कप में आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। आज भारत का मुकाबला वेल्स के साथ है। ग्रुप मैचों का ये आखिरी मैच है और एक बदले हुए स्वरूप में भारत ने जहां पहले दो मैच राउरकेला के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले थे, आज का मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा। तो वेन्यू बदल गया है लेकिन टीम के इरादे और लक्ष्य वही हैं कि वो अपने ग्रुप यानी कि ग्रुप डी से सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करे और इसके लिए उसे वेल्स को बड़े अंतर से पराजित करना है। तो क्या भारतीय टीम ऐसा कर पाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आज भारत और वेल्स के बीच हॉकी वर्ल्ड कप का एक अहम मैच खेला जाना है और इस मैच के बाद ही पता चलेगा कि ग्रुप डी को कौन सी टीम टॉप कर रही है, कौन सी टीम नंबर वन पर रहेगी, क्योंकि जो टीम नंबर वन पर रहेगी वही सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और जो टीम नंबर टू पे रहेगी उसे जो है वो क्रॉसओवर मैच खेलना पड़ेगा। तो भारतीय टीम चाहती है कि वो सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करे और वेल्स उसके सामने है। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो उसमें जो चार टीमें हैं, चाहे हम भारत की बात कर लें, स्पेन की बात कर लें, इंग्लैंड की बात कर लें या वेल्स की बात कर लें, तो इन चारों टीमों में जो सबसे कमजोर टीम मानी जा रही है वो वेल्स की ही टीम है। तो ये भारत के लिए राहत की बात है कि वेल्स से उसका मुकाबला है। और उससे भी एक अच्छी बात जो भारतीय टीम के लिए है वो ये है कि भारत और वेल्स के मुकाबले से पहले इंग्लैंड और स्पेन का मैच हो जाएगा। तो भारतीय टीम जब वेल्स के खिलाफ उतरेगी तो उसे सारा समीकरण पता होगा कि उसे वेल्स के खिलाफ कितने गोल करने हैं। तो ये एक लाभ की स्थिति है भारत के लिए कि वो अपने ग्रुप का आखिरी मैच खेल रहा है तो उसे सारा गणित जो है वो पता होगा। तो ये तो बात हो गई कि भारत के लिए अच्छी बात, लेकिन भारत के लिए एक चिंता की बात है और चिंता की बात यह है कि हार्दिक सिंह जो कि भारत के तेज तर्रार मिडफील्डर हैं वो खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी तक संदेह बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जब मैच हो रहा था तो आखिरी 5 मिनट में, जब 5 मिनट बचे हुए थे, उस वक्त जो है हैमस्ट्रिंग की समस्या हार्दिक को आई थी और वो मैदान से बाहर चले गए थे। तो वहां तो वो चल भी नहीं पा रहे थे लेकिन भुवनेश्वर पहुंचने पर लोगों ने उन्हें चलते देखा है और ये बातें कही गई हैं कि देखिए हार्दिक को जो है वो हैमस्ट्रिंग नहीं था, माइल्ड स्ट्रेन था। लेकिन ये तय नहीं है कि वो आज का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन चोट तो लगता है कि उतनी गंभीर नहीं है, नहीं तो अगर चोट गंभीर होती तो भारतीय टीम जो है रिप्लेसमेंट जरूर मांगती, लेकिन भारतीय टीम ने कोई रिप्लेसमेंट नहीं मांगा है। इसका मतलब यह है कि टीम चाहती है कि हार्दिक सिंह टीम के साथ बने रहें और अगर वो आज वेल्स के साथ मैच मिस भी कर जाते हैं तो आगे जो विश्व कप के मैचेस होने हैं उसमें वो उपलब्ध रहें और वो खेलें। और ये बात सही है कि हार्दिक जैसे खिलाड़ी को कोई भी टीम मिस नहीं करना चाहती है। जिस गति के साथ वो गेंद को लेकर भागते हैं, जितनी तेजी से जब टीम पर आक्रमण होता है तो वो डिफेंस में आ जाते हैं और फिर जब आक्रमण करना होता है तो उतनी ही तेजी से आगे की ओर चले जाते हैं, तो उनके जैसे खिलाड़ी को कोई मिस नहीं करता। लेकिन एक बात तो है कि वो आज के मैच में नहीं होंगे ऐसा लगता है और ये भारत के लिए आप कह सकते हैं कि बड़ा आघात है। ये तो बात हो गई। जो दूसरी बात है जिसकी हम बात करेंगे, मनप्रीत ने एक बात कही है जो भारत के काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। मनप्रीत और मिडफील्ड में हार्दिक के साथ जिम्मेदारी संभालते हैं, हार्दिक की अनुपस्थिति में मनप्रीत की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। तो मनप्रीत ने ये बात कही है कि देखिए पेनल्टी कॉर्नर को गोल में कन्वर्ट हमें करना होगा। तो जब मनप्रीत ये बात कहते हैं कि पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करना है तो इसका मतलब यह है कि न सिर्फ हम और आप बल्कि टीम भी इस विषय को लेकर गंभीर है और उस पर जो है टीम काम कर रही है। ये एक राहत की बात है। अगर हम इस विश्व कप की बात करें जो ये विश्व कप का 15वां संस्करण हो रहा है उसमें अगर हम बात करें तो भारतीय टीम को जो है स्पेन के खिलाफ 5 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे जबकि इंग्लैंड के खिलाफ 4 पेनल्टी कॉर्नर मिले थे और इन 9 पेनल्टी कॉर्नर में भारतीय टीम सिर्फ एक कन्वर्ट कर सकी है, वो भी रिबाउंड में। अमित रोहिदास ने वो गोल स्पेन के खिलाफ किया था।
इसके अलावा कोई भी पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट नहीं हो पाया है, चाहे वो हरमनप्रीत का फ्लिक हो, जबरदस्त फ्लिक हो, वो काम नहीं आया है, जर्मनप्रीत का स्लैप शॉट काम नहीं आया है, या वेरिएशन या जो डमी शॉट ली जाती है जिसमें अमित रोहिदास और मनप्रीत जो है वो हिस्सेदारी करते हैं, उसकी हम बात कर लें, वो भी आइडिया जो है वो अब तक कामयाब नहीं हो पाया है, तो भारतीय टीम के लिए ये चिंता की बात है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट और जो थिंक टैंक है वो इस पर काम कर रही है, मनप्रीत की बातों से तो ऐसा ही लगता है, तो ये एक अच्छी बात है। और अगर ये हो जाए तो आप वेल्स के खिलाफ ज्यादा गोल कर सकते हैं। जब बात हमने वेल्स की तो वेल्स का जो प्लेइंग स्ट्रक्चर है ना वो इंग्लैंड की टीम से मिलता जुलता है, तो इसलिए आप उसे बहुत आसानी से नहीं ले सकते। और वेल्स भी जो है डिफेंस में जब उतरता है तो उस पर गोल करना उतना आसान नहीं होता। वैसे अगर हम आपकी आपको बताएं रिकॉर्ड्स के बारे में, तो भारत और वेल्स के बीच अब तक 5 मैच खेले गए हैं और 5ों ही मैच में भारतीय टीम जीती है, तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है हेड टू हेड की हम बात कर रहे हैं तो। और आपको ये भी बता दें कि इन 5 मैचों में भारतीय टीम ने वेल्स के खिलाफ कुल 19 गोल दागे हैं। अगर आप औसत निकालने जाएं तो ऑलमोस्ट 4 गोल प्रति मैच का आता है, तो ये एक अच्छा औसत है। लेकिन एक बात और भी है कि वेल्स ने काउंटर भी किया है, वेल्स ने भारत के खिलाफ 9 गोल किए हैं, मतलब भारतीय टीम वेल्स के खिलाफ गोल कंसीड भी की है और 9 गोल कंसीड की है, तो ये इस बात पर भारतीय टीम को ध्यान रखना होगा। तो डिफेंस जिस तरह से इस पूरे विश्व कप में खेल रहा है उसी तरह से उसको खेलते रहना होगा, और जो बचाव है वो उस तरह से करना होगा। अभी तक इस विश्व कप में अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो निश्चित तौर पर जो भारत का डिफेंस है वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर उभर कर सामने आया है, और उसका जो डिफेंस रहा है वो बहुत दमदार रहा है, और इसके लिए जो डिफेंस में जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं सभी तारीफ के पात्र हैं। और इसके अलावा जो एक कोच रीड ने फैसला लिया है कि वो पीआर श्रीजेश और पाठक को अल्टरनेटली यूज करेंगे, फर्स्ट और थर्ड में वो श्रीजेश को भेजते हैं पहले और तीसरे क्वार्टर में, तो दूसरे और चौथे क्वार्टर में वो पाठक को भेजते हैं, कृष्णा पाठक को। और दोनों ही गोलकीपर ने अब तक अपने कोच को निराश नहीं किया है और दोनों ही जो है वो पूरी तरह तैयार दिखते हैं। पीआर श्रीजेश ने ये बातें कही भी कि देखिए दोनों के आने से एक बात जो है वो ये है कि अगर आगे के टूर्नामेंट में अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो दूसरा मेंटली इतना प्रिपेयर रहेगा, और चूंकि उसने जो है मैदान पर भी समय गुजारा है तो उसे सब चीज की जानकारी रहेगी, तो वो स्थिति को बेहतर ढंग से टैकल कर सकेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। और उसी तरह की गोलकीपिंग, जैसे कि गोलकीपिंग हमने पिछले 2 बैच में देखी, उसी की उम्मीद हम सब आज वेल्स के खिलाफ भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी फॉरवर्ड लाइन है उससे हमारी उम्मीदें ज्यादा है, हम उनके खेल पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने मूव्स तो बहुत सारे बनाए हैं और दोनों ही खास करके लेफ्ट फ्लैंक से मूव ज्यादा बने हैं, वक्त वक्त पर राइट फ्लैंक से मूव बने हैं, लेकिन जब वो गोल मुख के पास पहुंच रहे हैं, गोल पोस्ट के पास पहुंच रहे हैं, तो वहां पर निशाना भटक रहा है या वहां पर कुछ जो है गड़बड़ी हो रही है, और ध्यान दिए जाने की जरूरत है क्योंकि मौके तो आप बनाते हैं, अगर उन मौकों को आप भुनाएंगे नहीं तब ये आपके लिए परेशानी का कारण हो सकती है। तो लगता है कि भारतीय थिंक टैंक जो है इस पर भी काम कर रहा होगा, कूल होकर खेलने की जरूरत है। आखिर में मैं बस भारतीय टीम से यही कहना चाहूंगा कि देखिए नॉर्मल गेम खेलने की जरूरत है, हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वेल्स के खिलाफ कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जब आप एक्स्ट्रा करने जाते हैं ना तो आप एक दबाव अपने ऊपर ही ओढ़ लेते हैं और उस वक्त जो होता है जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता। तो नॉर्मल गेम खेलें, जो टीम मीटिंग में गेम प्लान तय हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करें, और मुझे विश्वास है कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम बड़े ही आराम से वेल्स को बड़े अंतर से पराजित कर सकती है और सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। भारतीय हॉकी टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।